नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या की खूब चर्चा हो रही है। गुजरात की कामयाबी की चर्चा हो रही है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी की प्रशंसा हो रही है और अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश होकर बीसीसीआई चयनकर्ता हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के कप्तान बनाने की बात भी करने लगे हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाए। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे तो किन खिलाड़ियों का भला करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने पता होगा, आपने इंडियन क्रिकेट को देखा होगा, जब धोनी कप्तान थे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते थे, रोहित कप्तान बने, रोहित अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, उसके बाद में विराट कोहली कप्तान बने थे, विराट कोहली अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते हैं। तो जब हार्दिक कप्तान बनेंगे तो हार्दिक के कप्तान बनने के बाद किन खिलाड़ियों की किस्मत चमक सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों का भी एक सवाल होगा, तो इसका जवाब देने के लिए हमारी नज़र में कुछ खिलाड़ी हैं जब हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे जिनकी किस्मत चमक सकती है। सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर है राहुल तेवतिया। जी हाँ, राहुल तेवतिया बेहतर फिनिशर हैं, एक अच्छे स्पिनर भी हैं, एक अच्छे फिनिशर भी हैं, और धोनी के बाद टीम इंडिया को एक अच्छा फिनिशर मिला नहीं है। हार्दिक पांड्या खुद एक अच्छे फिनिशर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या फिनिशर का रोल नहीं अदा कर रहे हैं, वो ऊपरी क्रम पर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये बात साफ है कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बने तो राहुल तेवतिया को मौका मिल सकता है, उनकी किस्मत चमक सकती है। राहुल तेवतिया को हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में टीम इंडिया में मौका जरूर दे सकते हैं फिनिशर के तौर पर। तो राहुल तेवतिया नंबर एक खिलाड़ी होंगे। नंबर दूसरे खिलाड़ी के तौर पर गुजरात की टीम में ओपनर शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल को उतने मौके नहीं मिल रहे हैं पिछले एक डेढ़ साल से। अगर देखें, पहले टेस्ट का स्क्वाड हुआ करते थे, टेस्ट स्क्वाड में हुआ करते थे, वहाँ से भी बाहर चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे तो शुभमन गिल को भी मौका दिया जा सकता है, वो भी टेस्ट स्क्वाड से निकल कर वनडे या T20 स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। तो ये दो खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत चमक सकती है। या फिर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं देखूं तो यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी की है गुजरात के लिए, शानदार करिश्मा कर रहे हैं, बेहतर तरीके से स्विंग का इस्तेमाल किया है, एक अच्छे गेंदबाज यश दयाल नज़र आ रहे हैं। हालांकि मोहम्मद शमी भी एक खिलाड़ी हैं, लेकिन मोहम्मद शमी पहले से ही टीम इंडिया का सदस्य है, उनको बाहर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये तीन खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद इन तीन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, लेकिन राहुल तेवतिया नंबर एक पर रहेंगी। राहुल तेवतिया हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया में 100% आएंगे। आपका इन खिलाड़ियों पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है वास्तव में हार्दिक के कप्तान बनने के बाद राहुल तेवतिया और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।